हमारे पंडित जी ने हमारे सभी को चुन्नियाँ दी हैं, मेरे को भी दी है। जय माता दी। तो ये पंडित जी हमारे यहाँ पे इस मंदिर में काम करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और मैं हो चुका हूँ रेडी। तो आज हम जाने वाले हैं माता नैना देवी जी के माथा टेकने के लिए। हम सभी जाएंगे, आगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन साथ जा रहा है। वो भी मम्मी खाना बना रहे हैं, जब तक मैं गाड़ी पीछे वाला और आगे वाला शीशा साफ़ कर लेता हूँ ताकि ड्राइव करते हुए कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि रात भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, उससे थोड़े थोड़े पानी के दाग है वो पड़ चुके हैं। तो अभी मैंने ये दोनों पीछे वाला और आगे वाला दोनों ये भी साफ़ कर दिया हल्का हल्का। पहले इसके ऊपर मैंने मतलब स्प्रे किया शैम्पू डाल के, फिर उसके बाद वाइपर मार दिया, हाथ वाला वाइपर जो छोटा किचन में यूज़ करते हैं ना वो वाला। तो फटाफट चुप चलते हैं। तो बोलो जी जय माता दी। तो मैंने चप्पल डाल ली क्योंकि वहाँ पे जाके भी चप्पल उतारनी है, बूट वगैरह, तो चप्पल में रिलैक्स होकर चलेंगे। चलो जी, अब बज चुके हैं पूरे 9, मतलब 4 मिनट रहते हैं, 9 बजने वाले हैं पूरे। तो हमने सभी को कह दिया कि अपने अपने घर से बाहर निकल जाएँ रेडी होके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नंगल डैम। तो रात का आपने नज़ारा देख लिया था और अब दिन का देख सकते हो। तो नंगल का जो फेमस, आप यहाँ से डैम बैठ के देख सकते हो और पानी की जो आवाज़ है अच्छी, बहुत अच्छी आवाज़ आती है पानी की, वो सुन सकते हो। वो किसी दिन आपको आगे नाम कैसे आना है सारा कुछ नेक्स्ट कब बनाऊँगा तो आपको दिखा दूंगा। तो अभी फाटक लगा हुआ है, ट्रेन जाएगी यहाँ से, देख सकते हो अभी ट्रेन जा रही है पुल के साथ। ये ट्रेन वाला ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर पटरी। तो फाइनली हमने वानिक को ले लिया है। वानु नाम नाम का दो, नाम नाम का दो, नाम नाम छपको, नाम नाम करो, नाम नाम जी। सीटू बैठ गई पीछे। चलो अब चलते हैं बुआ के घर। कैटी की थी, मेरे कैटी की थी। अभी हम पहुंच गए हैं बुआ के घर, भाभी और बुआ रेडी हो रहे हैं। वानी किधर घूम रहा है बेड़े में, इसको सबसे ज़्यादा प्यार है पानी के साथ, नहाते थे हटता ही नहीं है, मतलब दिन में जितने मर्जी दिखा दूँ। मम पता लग गया इसको, मम है यहाँ पे हेड पंप में, भाभी ने भी चलाया था, पता लग गया इसको। ना ना नहीं नहीं करनी है, नहीं नहीं करनी है, है? तो अभी सारे रेडी हो गए, बुआ आ गए, मम्मी, भाभी, रितु, सौरभ भाई आगे मिलेंगे, यहाँ पे भैया का ऑफिस है, वहाँ से सौरभ भाई साथ में चलेंगे। तो अभी हमने श्री आनंदपुर साहिब से अंदर को टर्न ले लिया है, माता नैना देवी जी के रोड पे हम आ चुके हैं, मंदिर के लिए जा रहे हैं सीधा। और आज ठंडा मौसम है, मज़ा आ जाएगा दर्शन करने में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर, देख सकते हो नीचे का नज़ारा। तो गाइस अभी हम पहुंच गए माता के, माता नैना देवी मंदिर। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे को बस स्टैंड से, वहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ कम हैं। गाइस अभी हम 1.5 घंटे के बाद फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं, तो सभी उतर रहे हैं, मैं गाड़ी पार्क करूँगा। तो अभी ये हम यहाँ पे दूसरा साइड से आते हैं, वो वाली साइड है एक, तो ऊपर वहाँ पे दूसरी साइड से, वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है, इधर से सीधा आप ऊपर पहुँच जाते हो डायरेक्ट गुफा वाली साइड, और यहाँ पे वो जो लिफ्ट चलती है वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो बोलो जय माता दी। तो लो जी दर्शन कर लो माता जी, बाजार के पार्किंग, और मैं चप्पल में आया हूँ। चलो जी सभी पहले आ गए, मेरे को छोड़ दिया पीछे ही। चलो ले पानी, चलो बोलो जय माता दी। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर बाजार में, बिल्कुल हमें भाभी कितने टाइम लगा, 5 मिनट, 5 मिनट से रास्ते सीधे ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर मेन गेट, इधर जूड़े ला लो, जूड़े जूड़े चप्पल जूते,
बोलो जय माता दी। चल रहा लो जी बाजार, और हल्की सी बारिश पड़ रही है तो वाली को हमने ऊपर सिर पे कपड़ा दे दिया है। तो ये हम पहुंच गए ऊपर शॉर्टकट से। लो जी बोलो जय माता दी। तो अभी हम मंदिर में पहुंच गए हैं, तो अभी हम लेने जा रहे हैं प्रसाद। ये जो सेंटर में पिपल है उसके सामने दुकान है, वहां से लेते हैं। ये सामने, तो अभी हमने ले लिया है प्रसाद। तो गाइस अभी हमने ले लिया है माथा टेकने के लिए प्रसाद। तो अभी बेटू भाभी अब हम सभी जाएंगे ऊपर। जय माता दी। तो मंदिर में और छोटे छोटे मंदिर है भैरव जी का। तो ये बजरंगबली जी का है। जय बजरंगबली। तो आगे इधर है और एक और मंदिर। जय माता दी। अम्मा चंद्रा चंद्रा चीजी मांग रहा है प्रसाद।
इधर भोग लग गया मामू नो सारा ही पाले मामू नो मामू दे दो मामू को दे दो उनके हम भोग लगी पंडित जी ने हमारे सभी को चुनिया दी है मेरे को भी दी है जय माता दी। तो ये पंडित जी हमारे यहाँ पे मंदिर में काम करते हैं जय माता दी। पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद दिया चुन्नियों के साथ। तो चलो अब एक फोटो करवाते हैं फैमिली के साथ। सौरभ भैया नहीं आए, लेट हो गए, नीचे आए हूँ। और मुझे टोकन नंबर भी 35 ही मिला है गाड़ी का। तो ये ऊपर से नज़ारा देख सकते हो आप, ये सारा डैम, वो लिफ्ट चल रही है सामने, व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ से। तो अभी सभी ने थाली ले लिया और लंगर डलवा लिया। आज बनी है कढ़ी, चने, चावल और मंडा। सब लाइन में बैठे हैं, वानिक भी बैठा है। चलो जी, सामने खाना खा लिया, लंच कर लिया, माता के किया आज लंच। चलो फिर जय का दो जय। चलो जी ने हमें मंदिर से मतलब प्रसाद दिया है, सभी को चुनियाँ दी हैं। वो अभी इधर देख सकते हो नीचे बादल कैसे बादल चल रहे हैं ऊपर हवा में। देखो नीचे बारिश लगी हुई है और ऊपर भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है अभी। और ब्लॉग देखने में मज़ा आता है तो कमेंट जरूर करना। सामने सारा भाखड़ा डैम का पानी है। चलो बुआ, वो भी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। मैं और बानू हैं, बाकी सब अपना अपना देखेंगे। मैं और बानू कुछ नहीं शॉपिंग कर सकते। जय का दो माता, जय का दो इत, जय का दो, जय और का दो, जय नहीं 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 कौन है, नंदी जी है, नंदी जी, ए दे इधर दे, बचाओ बचाओ बचाओ। मानिक तुसी की करते शॉपिंग? मानिक उठाने की कोशिश कर रहा है बट उठा नहीं पा रहा। ओहो बहुत बढ़िया लग रही है, थोड़े दिन हो जाएगा ना लागा। तो भी देख सकते हो ये फॉग और बादल कहते हैं हम इसको, कैसे आ रही है ये नीचे से ऊपर, सारी जगह देख सकते हो आप, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया बस। सौरभ भैया ने मिस कर दिया। तो अभी फिर हम मेन बाजार नीचे आ चुके हैं। दिल खुश हो जाता है यहाँ पे, देखो रौनक लगी होती है कितनी, मार्केट में लाइटें देख के कितना दिल खुश होता है। नी वाली वोट चलो जी, चलो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। वानू चलो ले, हमारे बहुत शॉपिंग कर ली तो हाँ यहाँ से नीचे हुआ है। चलो चलते हैं नीचे और बोलते हैं जय माता दी। तो मौसम यहाँ से आपको फर्क दिख रहा है यहाँ का और वहाँ देख सकते हो आप, जय माता दी। लो जी अंदर जय करो, इधर जय करो, इधर जय जय करो, जय जय करो, जय। चलो ले गाइस, अभी हम घर को जा रहे हैं। तो मौसम का हाल देख सकते हो आप, तो अभी सारे नीचे पहुँच गए, मैं ऊपर आ गया।
रास्ता देख सकते हो आप, शॉर्टकट है ये, धुंध देख सकते हो आप। तो अभी अच्छी तरह हमने माथा टेक लिया है, तो अब चलते हैं। जय माता दी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आराम के साथ, कोई टेंशन नहीं थी। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो माता जी को माथा टेकने हम आते हैं, तो एकदम से प्लान बना हमें हमारा, तो हम सभी बुआ से बात किए और चले आए। तो एक बुआ की निशानी पहाड़ी कटिंग की निशानी हुई है ना, बहुत सोहना है देखो। लिफ्ट हम आराम से जा रहे हैं, अब 2-3 घंटे लगा के जाएंगे आराम से एंजॉय करते हुए। वो पेंशन आ गई भी है? हाँ हाँ, पहले ही है, 2 हो गई आज। हाँ आज फिर शॉपिंग कराओ नंदपुर, ठीक है? चलो ले, चलो ठीक है माता जी, चलिए फिर, बाय बाय। जय माता दी, जय हो। चलो जी, के बीचों बीच एक जो पेड़ है वो काटा नहीं गया है, पता नहीं क्यों, बट उसकी कोई खासियत है, उसको काटा नहीं गया है। आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम रुके हैं, ये देख सकते हो, ये जो पेड़ है सामने ये वाला, इस रोडों के बीचों बीच है, कुछ खासियत है। हाँ खासियत है रोड इस पेड़ की, तो रुके हैं ये। सुधरा क्या कर दे, आइया देखो, दान कर रहे हैं, बंदरों के लिए डाल रहे हैं। वो चलेंगे, चले फिर, चलिए। अभी हम पहुंच गए हैं श्री अनंतपुर साहिब, ये नहर के ऊपर से रास्ता जाता है, वो वाला रास्ता है। तो अभी श्री अनंतपुर साहिब में चल रही है कुर्तों की शॉपिंग। बुआ के आके है ये मस्ती मारा पूरी, ए बुढ़ी बुआ दे आके मस्ती मारा पूरी। अभी कॉफी पैटीज खा लिए सभी ने, तो अब चलते हैं, बुआ ने बहुत सेवा की है आज, चलते हैं अब घर को सीधा। जय मामी, मामी जय करो, चलो मेनू गुड बाय, मेनू कीती नहीं दाल बराबर, चलो शुद्र शुद्र ओ शुद्र, हाय मामी जगे, मामी जगे, हाय हाय लगी लगी। तो गाइज फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, तो अभी बच गए हैं 7, सुबह निकले थे हम घर से 9 बजे और अभी पहुंचे हैं 7 बजे। तो हम नैना देवी मंदिर गए, उसके बाद श्री अनंतपुर साहिब गए, फिर हम गए बुआ के घर, फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया बुआ के घर, फिर अब हम रितु के घर मतलब मालिक को छोड़ के आए हैं, उसके बाद सीधा हम आ गए अपने घर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ट्रैवलिंग करके, गाड़ी मैंने चलाई सारी, मतलब 100 रुपये तो आ नहीं पाए, तो पूरा रास्ता मेरे को गाड़ी चलानी पड़ी, तो मैं थक चुका हूँ। और करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोल दो जय माता दी।